ये देखिए, एक विंडो का माफ है, ओपनेबल विंडो बनाना है घर के अंदर का है, इसलिए इसमें आप बिना ग्रिल वाला बनेगा। देखिए सिंगल लेज, इसमें सिंगल ग्लेज लगेगा, ए टाइप लगेगा और एच टाइप लगेगा और एक 3 इंच का कब्जा लगेगा हिंग्स और 6 इंच का हैंडल। पाउडर कोट के 3 इंच का टॉर रोड भी लगेगा, पाउडर कोट और स्टार स्क्रू लगेगा। इसके तो 2 इंच 300 तक, 2.5 इंच की जगह पे 2 इंच 300 तक करके आप एंगल को कट कर लीजिए। 4 पीस एंगल लगेगा फ्रेम में इस तरह से, 4 पीस एंगल को काट लेना है और कट करके, मैंने काट लिया 4 पीस एंगल और इसको 2 इंच 2 का ही मैंने काटा। इसे हॉल करना है 5 वाट का बिट से, और सारे एंगल में हॉल कर लेना 2-2 पीस करके। 5 वाट का बिट से आपको हॉल कर लेना है, उसके बाल हॉल रेडी हो गए। उसको देखिए हॉल हो गया है, अब इसको हम लोग बटन थोड़ा चेक कर लेंगे। ये माल को कट करना है, देखिए बटन चेक हो रहा है। इस प्रकार से बटन को चेक, गुनिया में चेक करना है, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। तो इसे मैं 32 हाइट था हमारा, तो 32 में से कट करूँगा। 32 का 2 पीस लगेंगे, देखिए मैं काट लेता हूँ जल्दी से फटाफट ताकि आपको समझ में आसान है। 32 का मैं कट कर लेता हूँ, देखिए 32 का कटिंग हो गया। 2 पीस, दूसरा पीस भी मैं जल्दी से कट करता हूँ। देखिए ये कट हो गया, अब इसके बाद आपको ये नमूना निकल गया हमारा, फाइलिंग कर ले रहा हूँ बढ़िया से। फाइलिंग हो गया, इसे बढ़िया से फाइलिंग करने से आराम से काम होगा। मैं इसे 2 पीस को देख के दिखता हूँ कितना, और चौड़ाई में हमें कितना काम करना है। ये 3 इंच का है बना मिला का, और हमारा चौड़ाई था 29 इंच, 29 इंच में हमें 3 इंच माइनस करना है, 1, 2, 3, 26 इंच का कट होगा। 26 इंच वाला भी हमें 2 पीस कट कर लेना है इस प्रकार से, 26 इंच का 2 पीस कट कर लेना है। उसके बाद ये कट हो गया, बटन भी चेक हो गया सही है, बटन भी मैंने चेक कर लिया। अब इसे टाइट करता हूँ, इस तरह से दाग लगा कर निशान लगाने के बाद आराम से आप 7-64 का बिट से हॉल कीजिए, उसके बाद एंगल को टाइट कर दीजिए। एंगल को टाइट करने के बाद एंगल टाइट हो गया, उसके बाद इसे मिला ले,
आपका थोड़ा चेक कर लें। हाँ ठीक है, ओके है, ये चेक हो गया, पूरा पूरी ओके है। इस प्रकार से चार दो जगह पे हमें एंगल लगा लेना है। और अब जो मैंने 26 इंच का काटा था उसे इसके ऊपर पहना कर टाइट करना है। देखिए मैं 26 इंच वाला काटा हूँ, उसे यहाँ पर पहनाना है और आसानी से नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसे पकड़ने के लिए एक जरूरत की आदमी की जरूरत पड़ी हेल्पर की, तो मैं अकेले कर रहा हूँ। हम देखिए ये हो गया। इस प्रकार से चारों कोना में टाइट कर दीजिए आप। देखिए दूसरा स्क्रू हो गया, एक कोना हुआ वो सब दूसरा कोना कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा कोना को भी हॉल करके टाइट कर देना है। ये हॉल हो गया, ये फाइलिंग कर दिया मैंने थोड़ा हॉल नहीं। इस प्रकार से सभी को टाइट करके और आपका स्क्वायर फ्रेम रेडी हो जाएगा। और इसे आप टाइट हो गया, और ये देखिए फ्रेम रेडी हो गया है। अब इसका पल्ला का माप थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ। उसका हाइट 30 तो था, 30 तो है हमारा, और चौड़ाई हमारा 30 इंच था। 30 तो सही माप है, दोनों में मैं आपूँगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों ये सही है। इसका चौड़ाई 29 इंच एकदम सही है। और एक जगह पर नाप रहा होगा ऊपर वाला, ये भी सही है। उसका डोर का माप निकालना है हमें। इसे डोर का माप निकालने के लिए अंदर अंदर माप करने से ये 26 इंच खड़ा हो रहा है, तो इसमें हमें 200 तक क्लियर करना है और इसे 25 छोड़ देना है। 25 को 2 से डिवाइड कर देना है। 25 को 2 से डिवाइड करने के बाद 12 इंच 7 सूत आता है, सॉरी मैं 6 सूत कर दिया हूँ, मैं 4 सूत माइनस कर देता हूँ, कर देने से, क्योंकि जहाँ मैं फिट करूँगा वहाँ पर वो जगह गुनिया में नहीं है, इसलिए ऐसे। और ये हाइट हमारा 27.2 लंबाई जैसे कहते हैं, 27.5 है, ऐसे 27 इंच ही रखूँगा।